महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का मतदान 1 जून को होना है, जिसको लेकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में एक कार्यक्रम के बीच भारी संख्या में स्थानीय मुस्लिम अल्पसंख्यक सपा एवं बसपा के नेताओं व उनके सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सभी से मुलाकात कर भाजपा में उनका स्वागत किया और आगामी लोकसभा चुनाव में जी जान से जुट जाने की बात कही। मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बिना किसी जात धर्म को देखे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। उसी का नतीजा है कि आज सभी वर्गों के लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर 2024 में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुस्लिम नेताओं का कहना था कि भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियों ने अल्पसंख्यक और पिछड़ों को ठगने का काम किया है। आज लोग जान चुके हैं कि भाजपा ही उनकी सच्ची हितैषी है। तो आइए, मैं अरुण वर्मा आपको लेकर चल रहे हैं भाजपा पार्टी मुख्यालय की तरफ और जानते हैं लोकप्रिय सांसद व देश के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने क्या कहा। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल वार्डन न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आज हमने इसलिए ज्वाइन किया है कि विगत वर्षों से अल्पसंख्यकों को छलने का काम यहाँ की पार्टियों ने किया है, अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के विजन को लेके सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं और खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय को जो बेवकूफ बनाया गया, जो उनको छला गया, कोई बुनियादी काम नहीं। हम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बिना जात बिना धर्म बिना मजहब देके सबको एक समान सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे अनेक योजनाएं जो गरीबों तक ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा, ना वहाँ जात देखी जा रही है, ना वहाँ धर्म देखा जा रहा है, इंसानियत और मानवता के राह पर भारत को एक विकसित भारत बनाने का काम मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं, उन्हीं के संकल्पों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और अल्पसंख्यक समुदाय के जो उनको लोगों ने छला है, जो उनके साथ उन्होंने बेईमानी की है, जन जन तक जाके बताऊंगा कि आपके साथ पूर्व की सरकारों ने आपको छलने का काम किया है, आपको गुमराह करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके आपको डराने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी आपकी सच्ची हितैषी है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात और मजहब देख के कोई काम नहीं किया है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय में जो डर का भय और डर का माहौल जो यहाँ की पार्टियों ने बनाया था, हमारे जैसे नेता अब उस डर को दूर करेंगे। अब अल्पसंख्यक समझ गया है कि उसकी सच्ची हितैषी सच्ची उसकी साथ चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अल्पसंख्यक चलेगा, सारे समाज के लोगों के लोग चलेंगे, क्योंकि गरीबों का उत्थान मोदी जी को विजन को आगे बढ़ाना है। नए भारत के संकल्प के साथ 2024 में 400 का जो नारा है उसमें अल्पसंख्यक भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आने वाले लोकसभा के चुनाव में
देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी में सबका आने का दिल से गहराइयों से स्वागत करता हूं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अगर 2014 से आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया था, उसको 10 साल में प्रधानमंत्री ने चरितार्थ करके दिखाया है। चाहे कोई भी योजना हो, ना उसमें हिंदू देखा गया, ना मुस्लिम देखा गया, ना अगड़ा देखा गया, ना पिछड़ा देखा गया। जो पात्र थे उन पात्रता के आधार पर सबका कहीं ना कहीं कल्याण करने का काम किया है। और अगर 10 साल में अगर आप देखें तो भारत सरकार ने जितने भी कानून लाए हैं उस कानून में भी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया। और इसलिए आज देश में कहीं ना कहीं जो जाति धर्म क्षेत्र भाषा के आधार पर लोगों को बांट करके राजनीति होती थी और वोट लेने के बाद उनका कल्याण नहीं होता था, आज पहली बार कह लीजिए कि सभी गरीबों का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका कल्याण हो रहा। उसी के आधार पर सब लोग प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए। यादव, प्रेम शंकर यादव, दोनों लोग नहीं है।